नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हम आपको बड़वानी और धार जिले के मनावर के पास स्थित पौराणिक महत्व के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। हालांकि इस मंदिर को लेकर कई जानकारी उपलब्ध हो पाई है। इस मंदिर की महत्ता को बताने के लिए काफी है। हम बात कर रहे हैं धार जिले के मनावर से लगभग 30 किलोमीटर दूर बड़वानी से मात्र 10 किलोमीटर स्थित एक छोटे से गांव बोधवाड़ा की, जहां स्थित है देवपत मंदिर। देव प्रतिलिंग या देवपत मंदिर के नाम से इलाके में मशहूर इस मंदिर को लेकर कई तरह की जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित शिवलिंग को स्वयं देवताओं ने स्थापित किया था और यहां से मां नर्मदा की परिक्रमा शुरू हुई थी। साथ ही बोधवाड़ा में एक या दो नहीं, इस मंदिर के कुल 12 शिवलिंग स्थापित हैं, जिनमें से दो इस मंदिर में हैं। यहां कालसर्प दोष और पितृदोष का निवारण करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बोधवाड़ा का देवपत महादेव मंदिर वैसे ही अब नर्मदा के बैक वाटर में छिपता नजर आ रहा है, लेकिन पहले इस मंदिर तक पहुंचना आसान था। नर्मदा तट पर बने इस मंदिर को लेकर अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। वैसे यहां लगी एक पत्रिका के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था और 18वीं सदी में इसका जीर्णोद्धार हुआ। बोधवाड़ा के देवपत महादेव मंदिर में अभी तक मूल स्थान पर ही प्रतिमा है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ और इससे अलग भगवान शिव मंथन से निकले विष का पान कर मैकाल पर्वत पर जा पहुंचे थे। दावा है कि ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी स्थापना रुद्र यंत्र और श्री यंत्र पर हुई है।